हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है SBI लाइफ। तो शुरू ऑन द बेसिस ऑफ OI एंड चेंज इन OI, और साथ ही साथ हम लोग ट्रेंड साइकिल भी देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड साइकिल क्या कर रहा है SBI लाइफ के बारे में। तो ये सब सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, और इन सब ऑप्शन चेन एनालिसिस के पहले एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहेंगे, वह है आपका NSE के ऊपर इसका जैसा कारोबार आज का था। तो आप देख रहे होंगे इसकी क्लोजिंग करीब 842 के आसपास हुआ है, और एडजेसेंट क्लोजिंग आपका 839 है, लेकिन जो इसने लो बनाया है 828 का लो बनाया है, वो आप देख पा रहे हैं कि ये आज 828 का लो बनाया है। इसके पहले भी हम लोगों ने SBI लाइफ का एनालिसिस किया था, जब इसका अर्निंग्स आया था तो उस समय यह 900 के करीब ट्रेडिंग कर रहा था, और उस समय हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये 900 के नीचे टिकेगा तो 830 तक जा सकता है। तो आज ये 830 के नीचे गया है, तो ये एक अपडेट इसमें था। और साथ ही साथ तो एक और चीज़ मैं शेयर करने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि आज सेलिंग तो ज़बरदस्त हुई है इसमें, और अच्छा खासा यहाँ पे देख रहे हैं 18 लाख का वॉल्यूम भी हुआ है, और उसमें से करीब 9 लाख मतलब करीब 47-48% का डिलीवरी भी हुआ है। मतलब इस गिरावट का इस्तेमाल डिलीवरी लेने के लिए किया गया है, भरपूर किया गया है, ये डिलीवरी परसेंटेज बता रहा है। तो कुछ तो पक रहा है इसमें, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें डिलीवरी जबरदस्त हुई है और गिरावट को लोग यूज कर रहे हैं इसमें डिलीवरी लेने के लिए। ये चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, जो ज़बरदस्त डिलीवरी आपको मिल रही है। अब आते हैं, चलिए अब ऑप्शन चेन पे जाएंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस जो हम लोग बात कर रहे थे 842 के ऊपर है। अब इसके ट्रेडिंग रेंज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडिंग रेंज आपका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज होता है। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और आपका हाईएस्ट सपोर्ट आपका हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक होता है। तो एक सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कहाँ क्या है। तो इस कॉलम से होकर गुजरेंगे तो हमें देखने को मिलेगा करीब 313,000 का कॉल राइटर्स यहाँ पे खड़े हैं, और एडिशन करीब 64,000 का है। आपका स्ट्राइक प्राइस है 900, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका स्ट्राइक प्राइस 900 पे 3 लाख का और करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में, और यही सबसे हाईएस्ट है। तो आपको ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा अगर SBI लाइफ ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है। तो एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पिछली बार भी यह 900 के करीब रेसिस्टेंस था, और वहाँ से काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है, और वो आपका 830 के नीचे आ गया है। और देखते हैं कि अगर इसको ब्रेक करता है तो दूसरा इसको कहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1,07,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ मिलेगा, और 3,000 का एडिशन भी आपको मिलेगा 920 पे। तो ये आपका सेकेंड हाइस्ट रेसिस्टेंस होगा इसको ब्रेक करने के बाद से। लेकिन इसके बाद अगर देखेंगे तो उतना स्ट्रांग आपको रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ये आपका स्ट्रांग रेसिस्टेंस है। तो ये आपका हाइस्ट रेसिस्टेंस, ये आपका सेकेंड हाइस्ट रेसिस्टेंस। अब आ जाते हैं पुट में, तो यहाँ पे देखेंगे करीब 119,000 का पुट राइटर्स खड़े हैं, आपके 5,000 का एडिशन भी है 850 पे। तो अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे तो यही इसका हाईएस्ट सपोर्ट भी है, 850 का हाईएस्ट सपोर्ट भी है। अगर इसके नीचे ये रहा तो आप देखेंगे कि नीचे 800 तक का लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ 43,000 सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटर्स है 43,500 के आसपास, और एडिशन करीब 20,000 शेयर्स का यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये आपका 800 का लेवल है जहाँ ऐसा करीब 43,000 पुट राइटर्स देखने को मिले हैं, और रेंज जहाँ तक है दिख रहा है वो रेंज आपको दिख रहा है 800 से लेकिन 900 तक का रेंज फिलहाल दिख रहा है, क्लोजिंग 842-40 के आसपास SBI लाइफ की। और पाइवट स्ट्राइक की हम लोग बात करेंगे तो अगेन ये पाइवट स्ट्राइक है 850, इधर 1,19,000 और इधर 71,000 का
एडिशन है कॉल साइड में, तो ये आपका पाइवट स्ट्राइक है 850, इसके नीचे रहा तो 830 तो हो के आया, नेक्स्ट 820 और 800 तक जा सकता है, और इसके ऊपर रहा तो फिर से हमें 900 और 920 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका SBI का। और अगर हम लोग नेट चेंज की बात करते हैं तो कॉल राइटर्स देखने को मिले हैं, इधर पुट बायर्स देखने को मिले हैं, ये होना ही है क्योंकि बहुत दिनों से हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो पुट राइटर्स यहाँ मिलेंगे या कॉल राइटर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल जो OI दिख रहा है वो थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, लेकिन सब डिपेंड करता है कि इसके पाइवट स्ट्राइक इसके ऊपर टिकेगा तो ऊपर की तरफ मूव होगा, इसके नीचे टिका तो नीचे की तरफ हम मूव देख सकेंगे। चलिए अब इसका ट्रेंड साइकिल देखते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी वीकनेस इसमें देखने को आपको मिलेगी, काफ़ी वीकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको काफ़ी वीकनेस देखने को मिली है और मिल रही है। लेकिन अगर देखें तो एक तरह से काफ़ी कमजोरी आ चुकी है और 850 के ऊपर रहता है तो फिर हमें इसमें शॉर्ट कवर और लॉन्ग फ्रेश देखा जा सकता है, अगर नहीं रहा तो और शॉर्ट इसको 800 तक लेके जा सकता है। तो जहाँ तक दिख रहा है वह आपका डिलीवरी हाईएस्ट दिख रहा है करीब 50% तक, और डाउन साइड इसमें लिमिटेड दिख रहा है, और जो भी डाउन साइड इसमें दिख रहा है उसमें खरीदारी हो रही है जिस हिसाब से डिलीवरी देखने को मिली है। तो आपको भी यही करना चाहिए, कोई भी गिरावट है तो इस स्टॉक में अब ज़्यादा सेल साइड में नहीं रहना चाहिए, फर्दर गिरावट कुछ आती है तो वो 800 के नीचे ही होगा, अदरवाइज आपको भी इन सब गिरावट का यूज बाई करने के लिए करना चाहिए। और ऐसा ये वाई के ऊपर है और सबके बाद तो डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है आप अपना एनालिसिस करें और खुद डिसीजन लें, यही है आपका ओवरऑल एनालिसिस SBI लाइफ का। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।